नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। गोहिंदा बागवाई चिटोली समिति प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचे समिति प्रबंधकों ने उपार्जन कार्य बंद किए जाने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि समिति प्रबंधक मदन तिवारी, बीरेन शर्मा और दिनेश किरार के विरुद्ध दर्ज कराया गया मामला नियम विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि टोल कांटों के वजन के कारण प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जबकि बोरों का वजन नहीं पाया गया। वहीं दिए गए ज्ञापन में उन्होंने ऐसी तमाम परिस्थितियां बताकर खरीदी बंद करने का ऐलान किया और मांग भी तब, जबकि तीनों उपार्जन केंद्र के प्रभारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण वापस लिया गया, तब जाके गेहूँ खरीदी कार्य बंद रहेंगे। वहीं खरीदी केंद्रों पर सुबह से किसान अपनी ट्रॉली लेकर खड़े हुए और परेशान हो रहे हैं। एक तरफ बादल भी हो रहे हैं, कहीं पानी न बरस जाए इसकी भी किसानों को चिंता सता रही है। मित्रवार से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। किसानों को बता दो, वहाँ जगह भी बोल देना, रात रात हो जाएगी, ठीक है जी, बता देना। ना भाई साहब, आपका सगीर खान, कहाँ के हो? ग्राम मोहनगढ़। अच्छा, आप क्या गेहूँ लेके आए थे? हाँ, ट्राली लेके आए थे गेहूँ की। कब लेके आए थे? सुबह 7:30-7 बजे के समथिंग। अच्छा, तो सुबह से आपको यहाँ पे आए, फिर क्या हुआ? ट्रॉली तुल रही है क्या? नहीं, कांटा ही बंद है ट्रॉली, कोई ट्रॉली नहीं तुली अभी तक, वरना तुल रही है अभी। अच्छा, क्या बता रहे हैं कब तुलेंगे, पता है कुछ? अभी तो कोई नहीं, ये कह रहे हैं जब ऊपर से मंजूरी हो जाएगी, कलेक्टर साहब के यहाँ गए हैं, जब तक अभी कोई सुनवाई नहीं हो, जब जैसा भी होगा जब सुन दे देंगे, जब कब तक बनती है। मेरे आगे भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। चलो ठीक है।